एवरी वन वेलकम टू अदिश क्लासेस आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश के कुछ वर्ड्स जो हमें बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे देखिए सबसे पहले अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है और इंग्लिश में नॉलेज चाहिए आपको तो आपको अपनी वोकेबुलरी इम्प्रूव करनी पड़ेगी आपको नए नए शब्द आने चाहिए जिससे आप लोगों के आगे अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे तो आज मैं आपको कुछ नए वर्ड्स बताऊँगी और हम उन्हें सीखेंगे उनका मतलब जानेंगे ठीक है. है स्टार्ट करते हैं मैरियोनेट मैरियोनेट मीन्स होता है कटपुतली आपने कुछ शोज़ देखे होंगे जिनमें पपिट्स का यूज किया जाता है तो उन पपिट्स को हम बोलते हैं मैरियोनेट ठीक है मैरियोनेट मीन्स कटपुतली हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनटॉक्सिकेंट इन टॉक्सिकेंट इनटॉक्सिकेंट हम उन मादक पदार्थों को बोलते हैं एल्कोहलिक लिक्वर और ड्रग्स देखिए जो भी शराब ड्रग्स uh, ऐसी चीज़ें जो होती हैं जो कि अल्कोहल से बनी होती हैं जिन्हें खाने या पीने पर हमें किसी भी प्रकार का नशा हो जाता है तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे क्या कहलाते हैं वो कहलाते हैं इंटॉक्सिकेंट क्या कहलाते हैं इंटॉक्सिकेंट चलिए मेरे साथ बोलते जाइए नेक्स्ट है हार्ब हार्बर हार्बर मीन्स होता है बंदरगाह प्लेस ऑफ शेल्टर ऑफ शिप्स यानी कि जहाँ पर ऐसा स्थान जहाँ पर एक साथ कई सारे शिप्स खड़े रहते हैं तो उस स्थान को हम बोलते हैं हार्बर यानी कि बंदरगाह चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्लैक्स फ्लैक्स जिसे हम बोलते हैं पटसन या सन हिंदी में अब प्लांट ग्रोन फॉर इट्स फाइबर एंड सीज फॉर मेकिंग रोप्स आपने देखा होगा रस्सियाँ बनाई जाती हैं तो जो रस्सियाँ बनी होती हैं वो फ्लैक्स की बनी होती हैं जिसे हम पटसन या जूट भी बोलते हैं और ये एक इस तरह के प्लांट्स की प्लांट्स होती हैं जिनकी सीड्स को उगाया जाता है और एक तरह का फाइबर बनाया जाता है जिससे हमारी रस्सियाँ बनाई जाती हैं तो इसे बोलते हैं हम फ्लैक्स चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं एनसाइन एनसाइन अर्थात झंडा अथवा ध्वज आपने देखा होगा हमारे झंडा और ध्वज को हम और क्या क्या बोलते हैं या तो फ्लैग और बैनर तो फ्लैग को हम और क्या बोल सकते हैं एनसाइन चलिए नेक्स्ट वर्ड ड्रिजल ड्रिजल बोलते हैं हम बांदी होना यानी कि छोटी छोटी बारिश होती है ना रेन इन फाइन ड्रॉप्स तो जो हल्की हल्की बारिश होती है मध्यम मध्यम तो उसको बोलते हैं हम ड्रिजल क्या बोलेंगे ड्रिजल चलिए नेक्स्ट वर्ड बिलियर्ड्स देखिए एक प्रकार का छोटे आकार की ठोस गेंदों से खेले जाना वाला खेल ये एक गेम होता है जिसमें छोटी छोटी ठोस गेंदें होती हैं गेम प्लेड ऑन अ रेक्टेंगुलर क्लोज कवर टेबल विद लॉन्ग टैपरिंग स्टिक्स इसमें एक लंबी लंबी स्टिक्स होती हैं जिसकी मदद से ये गेम खेला जाता है तो इस गेम का नाम क्या है बिले ठीक है चलिए नेक्स्ट वर्ड बेवरेज ये कुछ ये वर्ड्स जरूर आपने सुना होगा अगर नहीं सुना तो इसका मतलब ये है कि जब हम स्टार्टिंग करते हैं किसी भी मेन्यू की तो उसमें सबसे पहले बिवरेज दिया जाता है यानी कि जल के अलावा कोई भी पेय पदार्थ एनी सॉर्ट ऑफ ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर तो जो स्टार्टर में जो होता है ना ड्रिंक दी जाती है उसको हम बोलते हैं बिवरेज ठीक है वो कोई भी हो सकती है लेमन टी किसी भी तरह की वो बस पानी के अलावा कोई भी ड्रिंक हो वो बेवरेज कहलाएगी नेक्स्ट वर्ड आइवरी आइवेरी आइवरी मीन्स होता है पक्षियों के रहने का स्थान अ लार्ज कीच और एरिया इन विच वर्ड्स आर कैप्ट तो इसे क्या बोलते हैं हम आइवरी ठीक है इसमें क्या है एक एरिया होता है जहाँ पक्षियों को पाला जाता है तो उस स्थान को बोलेंगे हम आइवरी जिस तरह पानी में मछलियाँ हम पालते हैं ना तो उस जगह को क्या बोलते हैं हम इक्वेरियम बोलते हैं जहाँ मछलियों को रखते हैं इक्वेरियम वैसे ही ये है आइवरी नेक्स्ट ऑनलुका ऑन लुकर मीन्स होता है दर्शक ऑडियंस जब कोई घटना घटित हो रही हो या कुछ होता है हमारे सामने तो हम देखते हैं ना वहाँ बैठकर तो उसे बोलेंगे ऑन लुकर यानी कि दर्शक जैसे हम ऑडियंस भी बोलते हैं ठीक है चलिए अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं नट मैक नट मैक मीन्स होता है जायफल अ टाइप ऑफ स्पाइस यूज इन कुकिंग तो ये एक ऐसा मसाला होता है जिसे हम कुकिंग में यूज़ करते हैं क्या बोलते हैं हम इसे नटमैग ठीक है नटमैग मीन्स जायफल मार्ट मार्ट आपने ज़रूर कुछ बाजार या दुकानों के नाम सुने होंगे जो अपने आगे मार्ट लगाते हैं ट्रेड सेंटर और मार्केट तो मार्ट हम उन स्थानों को कहते हैं जहाँ से हम सामान खरीदते हैं वस्तुएं खरीदते हैं ठीक है मार्केट को हम मार्ट भी बोलते हैं इस तरह हमने आज कुछ इंग्लिश के न्यू वर्ड्स सीखे हम आगे और भी वर्ड्स सीखेंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी इंग्लिश में वोकेबलरी इम्प्रूव कर पाएँ और कुछ नए वर्ड्स सीखें और हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो